नए रास्ते जा रहे हैं, नया रास्ता एक्सप्लोर करेंगे। गाइस आ चुके हैं हल्दीघाटी। डब्लू लॉन्ग ड्राइव भाई सिर्फ कहने के लिए बढ़िया होती है। चलो भाई निकल चुके हम घर की तरफ। टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:07, बहुत लेट हो गया। गूगल पे एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 7:00 PM कंटिन्यूअसली अगर हम गए तो हम लेके चल रहे 2 घंटे एक्सेस। 10 बजे तक हम बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। बाय उदयपुर, बाय उदयपुर। जब हम उदयपुर आ रहे तो कोई टनल नहीं थी, आज हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। जब टनल मिली हमें, नए रास्ते से जा रहे हैं, नया रास्ता एक्सप्लोर करेंगे। रास्ते में ऐसा सुनी हल्दीघाटी पड़ेगा, देखिए भाई ऑफिशियली हम उदयपुर से बाहर निकल चुके हैं और ये हैं उदयपुर के बाहर के नजारे। भाई ऐसा लग रहा है पहाड़ पे चढ़ जाएंगे सीधा, ऐसी रोड थी थोड़ी देर पहले पीछे। उदयपुर भी बहुत सुंदर है, पर भाई उदयपुर है सर्दियों की जगह, गर्मियों में तो पिल जाओगे बाबा। रास्ते बहुत खूबसूरत है भाई। उदयपुर से निकले थे और मेरा प्लान ये पहले से ही था कि भाई हल्दीघाटी जाएंगे, प्लान हमने बना लिया है। घर जाते जाते रास्ते में हल्दीघाटी होते हुए जाएंगे, तो हम हल्दीघाटी के रास्ते में फिलहाल एक डिटूर लिया छोटा सा, 16 किलोमीटर का डिटूर है। हाईवे से 16 किलोमीटर अंदर है हल्दीघाटी, दिखाते हैं वहाँ का सीन क्या रहता है। फिर उसी रूट से सीधा सीधा और 16 किलोमीटर पे 15 किलोमीटर का ये रोड जाएगा, जिससे हम दोबारा से NH 58 पे मिल जाएंगे। कितना सुंदर है गाइस। चलो भाई अपन आ चुके हैं हल्दीघाटी, मैं दिखाता हूँ आपको सीन का। भाई ये है पूरी हल्दीघाटी, खतरनाक लग रही है। गाइस आ चुके हैं हल्दीघाटी और ये देखो भाई खतरनाक नजारे यहाँ के, पीछे देखो पूरा पीला ही पीला है भाई। वहां से आए थे हम और ये है पूरी हल्दीघाटी, सामने देखो खतरनाक, सबसे अच्छा मनमोहक व्यू तो भाई ये पूरा पैच जो है ना प्रॉपर लगता है कि हाँ भाई अब आ गए हम हल्दीघाटी, बहुत प्यारा। चलो यार फोटो वगैरह लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से ना। गाइस यहाँ पे माइनिंग चल रही है हल्दीघाटी की मिट्टी की, भाई हम घर लेके जाएंगे, जार में रखेंगे और एक छोटा सा झंडा लगा देंगे उसमें हल्दीघाटी लगा के जाएंगे। यहाँ पे ज्यादा पीली मिट्टी है। W कहाँ है, W कहाँ है, W काम पे लोगो माइनर्स। अबे क्या कर रहा, साफ कर रहा है क्या? चंदन लगा रहे, चंदन। चलो भाई अपना हल्दीघाटी का सीन हो गया, एक रोड वहां से खुलती है, एक रोड पीछे से खुलती है जहाँ से हम आए थे, यही है पूरा मेन जो है। चलो भाई देख ली हल्दीघाटी, मजा आ गया, कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है चलते हैं फिलहाल। लेट्स गो गाइस। ओ भाई खतरनाक गर्मी है गाइस, मक्खी आ गई मेरे पास गाइस। चलो यार चलते हैं, जीपीएस लगाते हैं घर का। चलो भाई हल्दीघाटी से निकल गए, यहाँ से हमने थोड़ी सी माइनिंग कर ली थी और अब जा रहे हैं घर की तरफ। हाँ भाई लोग अपना आज का दूसरा ऑल्ट, पहला ऑल्ट था हमारा हल्दीघाटी, दूसरा ऑल्ट हमारा चाय वाला पीने के लिए, 2 चाय बोली है और बाकी 2 शेक बोले हैं। हल्दीघाटी की वीडियो भाई बढ़िया लग रही हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चीयर्स। चाय शेक चीनी भाई हर जगह लिखा था कृपया चाय के लिए टोकन लाएं, इसमें लिखा लावे भाई राजस्थान में आप। ये चीज नोटिस करी मैंने अभी। एक और शेक ले रहे, चॉकलेट शेक बनवा रहे दोबारा से। भाई एक छोटा सा ऑल्ट दिया था, थोड़ी सी नींद आ रही थी, चाय कॉफी मैगी खा पी के अपना फिट हो गए। लॉन्ग ड्राइव भाई सिर्फ कहने के लिए बढ़िया होती है, नहीं तो फट लेती है अगर हाँ एक बंदा सिर्फ एक बंदा चलाने वाला हो तो फट लेती है। कॉफी ऑर्डर करी थी और ये देखो कॉफी, ये देखो ये कॉफी का ग्लास नहीं है भाई, ये शॉट्स हैं। नंबर देखो NL नागालैंड। गाड़ी वहाँ पे खड़ी है अपनी, एक पता नहीं बीच में हॉल्ट आया, यहाँ पे रुके हैं। तो होटल हाईवे की बढ़िया बना ली बंदे ने। पिछला हमने एक हॉल्ट लिया था रेडबुल के लिए, 30 मिनट हुए होंगे मुश्किल से, हमने दूसरा हॉल्ट ले लिया है। यहाँ पे हमने भाई ऑर्डर किया कॉफी और डोसा वगैरह, यहाँ से अपनी थोड़ी नींद वगैरह उड़ा के आयुषी के घर का टाइम, जहाँ पे उसको छोड़ना, जहाँ पे उसको ड्रॉप करना है, उसका टाइम बता रहा है 10:00 PM। तो अगर हम ऐसे ही रुकते रुकते चले और बीच में हमें डिनर भी करना पड़ेगा तो उसके लिए रुकना पड़ेगा। तो गुड़गांव तक हमें लगने चाहिए, हमें 11 बजे तक पहुंचेंगे गुड़गांव और हमें अपने घर शायद लगेंगे 1 या 2 इजिली बच जाएंगे। देखते हैं भाई ट्रिप चल रही है, टाइम क्या मैटर करता है भाई, रोड ट्रिप पे मस्ती करते करते जाएंगे, है ना, क्या ख्याल है आपका? अपना काम कर रहे हैं ये भाई, ऑफिस का काम कर रहे हैं। डेडिकेशन देखो, डेडिकेशन नहीं है सिर्फ फटी की बात बोलते हैं। कोई बंदा अगर ट्रिप पे काम कर रहा तो वो फटी में काम करता है और कुछ नहीं होता। सारा डोसा हमारा आ गया, कॉफी हमारी आने वाली है, बरिस्ता पे दिया है हमने, खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे। डालो ये ऑर्डर किया मंचूरियन और फ्राइड राइस, कॉफी चल रही है साथ साथ, बस ये खा के और फिर निकलेंगे अपन अपने रास्ते पर। चलो भाई अपना नेक्स्ट वाली जो क्रेविंग थी वो पूरी हो चुकी है, रुकना थोड़ी देर के लिए, पूरा अपना लंच वंच करके निकल रहे हैं भाई बढ़िया तरीके से। अब सीधा भाई डायरेक्टली रुकेंगे, अब कहीं नहीं रुकना। गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:00, बिल्कुल .6 हो रहे हैं, अगला स्टॉप होगा हमारा, ओ भैंस की आंख, अगला स्टॉप हमारा होना चाहिए 3 घंटे बाद। तो 3 घंटे भाई हमें लगातार ड्राइविंग करनी है।
क्या खतरनाक बारिश मिली भाई, मजा आ गया। पूरा ऑरेंज ऑरेंज हो रखा है आसमान, पता नहीं कैमरे में कैसा लग रहा है भाई, पर यहाँ पे पूरा का पूरा ऑरेंज है, मजा आ गया भाई। वेदर फोरकास्ट हम पढ़ के गए थे, उदयपुर में क्या रहने वाला है, क्योंकि हर जगह बारिश थी। उदयपुर का देखा तो उसमें थंडर स्टॉर्म दिखा रहा था, तो हमें कुछ भी नहीं मिला। पूरे ट्रिप में हम घर जा रहे हैं तब जाके हमें ये सब मिल रहा है, थंडर स्टॉर्म और ये लाइटनिंग वाइटनिंग सब मिल रही है। बारिश का मौसम खतरनाक। दिन का आखिरी हॉल्ट है हमारा, हम आ गए हैं महाराजा पे, उड़ रहा हो यहाँ के, यहाँ की महाराजा तो यही है। म्यूजिक चल रहा है वहाँ, लोग डांस कर रहे हैं उधर सेल्फी स्टिक पे, क्या बात है, दूसरा मूर्थल बना दिया भाई। चलो भाई, हमारा इस ट्रिप का और आज के दिन का आखिरी हॉल्ट, और हमारा सबसे पहला ऑर्डर है चाप, मलाई चाप। और क्या ऑर्डर? ओल्ड राव की स्पेशल, कुछ पनीर आइटम है और भाई दाल मखनी, बाकी रोटी। 50 मिनट अराउंड बचा है, 50 मिनट का रास्ता है, और उसके बाद फर्दर हमें 1 घंटा और लगेगा घर पहुंचने में, गुड़गांव से हमारे घर। अगर पसंद आ रहे हैं ब्लॉग्स तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड डू शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। Cheers.